नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और इस वक्त हम आपके साथ मौजूद हैं देश रोजाना के फेसबुक पेज पर और खास लाइव आपके लिए लेकर आए हैं जो ज्योतिष से संबंधित है। मैं हूँ स्मिता सिंह और हमारे साथ हैं पंडित अमित पांडे जी जो ज्योतिष से संबंधित आपके सवालों के जवाब आपको देंगे, बताएंगे आपको कि आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव किन ग्रहों की वजह से आते हैं। आज हमारा ये पहला एपिसोड है तो आज के एपिसोड में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए रहेगा इस कार्यक्रम से संबंधित कि ये कार्यक्रम में आपको किस तरीके के सवाल आप कर सकते हैं और कैसे आपको उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जो हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो अतिथि हैं, उनका स्वागत करते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। अमित जी, ज्योतिष के बारे में पहले एक बार हमारे दर्शकों को बताएं क्योंकि आज से हम लाइव शुरू शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि ज्योतिष के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ज्योतिष शास्त्र जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है हमारे जीवन पर। देखिए स्मिता जी, ज्योतिष को वेदांग का नेत्र कहा गया है। नेत्र का मतलब होता है देखने का सामर्थ्य। एक तो हम आंखों से जी देखते हैं जो यह भौतिक जगत में दिखाई दे रहा है, जो स्थूल जगत है। दूसरा, जब ज्ञान की बात आती है तो जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे, मतलब कल भविष्य, उसको देखने का जी सामर्थ्य जिस विद्या में है, जिस विषय में है, वह वेद का अंग आंख ज्योतिष है। अब रही बात किस तरह से जी ग्रह प्रभावित करते हैं, तो ऐसा हमारा शास्त्र कहता है और यह प्रमाणित भी है वैज्ञानिक तरीके से कि ग्रहों का जो सौर मंडल है, सौर मंडल में होने वाली किसी भी उठापटक का, किसी भी घटना का सीधा असर हमारे जीवन में, इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर, यहाँ तक कि प्राणी मात्र के ऊपर भी दिखाई देता है। चूंकि हम इस मानव जाति में सबसे श्रेष्ठ होमोसेपियंस मानव हैं, तो चूंकि सबसे अधिक ज्ञान हमारे पास है, सबसे अधिक सक्रिय हमें, हम विकसित जीव हैं इस पृथ्वी के लिए, सबसे अधिक प्रभावित हम होते हैं। जैसा कि ग्रह राज्य जी प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्य हरन्ति च, ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही राज्य लेते हैं। हमारा जब जन्म होता जी है तो हमेशा आप जानती होंगे, और ये क्या कहते हैं, खगोल का एक विषय है कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते रहते हैं और एक स्थान पे स्थिर नहीं रहते। सूर्य स्थिर रहता है और उसके चारों तरफ जो है सौर मंडल में अपने निश्चित परिपथ में जो है सारे ग्रह घूमते हैं। पृथ्वी भी उसी तरह से चक्कर लगाती है, जो 365 दिन में एक चक्कर अपना पूरा करती है सूर्य का। अब यहाँ कहने का मतलब यह कि जब वो घूम के जिस स्थान में सूर्य से जितनी दूरी पे रहती है, उसी के अनुसार राशि नक्षत्र हमारी लग्न तय होती है। लग्न हर 1.5 से 2.25 घंटे में बदल जाती है, राशि हर 2 से 2.5 दिन में बदल जाती है। इसी तरह से जैसे कुछ तीव्र ग्रह हैं, जैसे सूर्य सबसे तेज चलता है, बुध सबसे तेज चलता है, जी शुक्र, मतलब मासम शुक्र बुधादित्यम, बुध सूर्य और शुक्र एक राशि में लगभग 1 महीने तक रहते हैं। और सबसे देर तक अगर कोई ग्रह एक राशि में संचार करता है, यूं कहें एक जगह रहता है, वह शनि है। इसी को जो उसको मंद भी कहा जाता है। पौराणिक कथाएं हैं कि उसके पैर में एक चोट लगी, इसलिए वो धीरे चलता है। इस तरह से ज्योतिष का जो प्रभाव है, ग्रहों का जो प्रभाव है, वो दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अमित जी, आज से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। बेशक हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके के हम जो टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं, वो इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड किस तरीके के सवाल हमारे दर्शक हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का मुद्दा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि पति पत्नी के बीच जो झगड़ा होता है वो किस ग्रह की वजह से होता है, कौन सा ग्रह होता है जो दाम्पत्य जीवन में कलेश लाता है, और एक छोटा सा अचूक उपाय भी आप जरूर बताएं क्योंकि आज हम पहला एपिसोड कर रहे हैं तो बेशक सब देखना चाह रहे होंगे, सवाल नहीं भेज रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पति पत्नी के बीच कलह किस ग्रह की वजह से होती है और फिर उसके लिए क्या उपाय, क्या निदान हो सकता है ज्योतिष के मुताबिक। देखिए, जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई तो उसमें जो प्रथम घर होता है, या जो कहें जो लग्न होता है, वह हमारा मतलब जातक का अपना शरीर, अपनी सेहत, अपना मुखमंडल, अपना चेहरा, उसकी अपनी आत्मा प्रथम घर। और इससे ठीक 180 अंश की दूरी पे, मतलब सीधा अपोजिट डायरेक्शन का जो भाव होता है, अपोजिट बिल्कुल, सातवां भाव। 1 से 6 भाव जब आगे जाएंगे, सातवां भाव जो होता है वह अपनी कलत्र का, स्त्री का, पत्नी का, जीवन संगनी का या जीवन साथी का, कन्या कुंडली पुरुष का, पुरुष कुंडली में कन्या का, ये कारक होता है, भाव होता है वह सातवां भाव।
तो एक बात आप जानते हैं कि अपोजिट पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, इसीलिए यह वैज्ञानिक रूप सिद्ध है कि भाई एक से बिल्कुल अपोजिट पोल पे होते हैं। तो स्त्री और पुरुष जो होते हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन को होते हैं, क्योंकि अपोजिट होने पे ही इक्वल होने, फिजिक्स का नियम भी है कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इसलिए 180 अंश का। एक तो ये भाव हुआ, दूसरा हमेशा आप जब भी ग्रह देखेंगे तो हमेशा जो वो राशि होगी उसकी मित्र राशि नहीं होती है, लग्न से हमेशा विपरीत राशि ही सातवीं राशि होती है, यह सबके साथ है। अब एक बात, प्रेम में कटुता क्यों आती है, या यूं समझो कुछ लोगों के जीवन दाम्पत्य में उतार चढ़ाव रहता है, यहाँ तक स्थिति खराब हो जाती है कि पहला जीवन साथी छूट जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, प्रेम संबंध विच्छेद हो जाता है, तमाम हम आजकल के युग में दिखाई भी दे रहा है। अब इसमें कारण क्या है, कारण बहुत सारे मोटी मोटा तौर पर हम बताते हैं। किसी भी स्त्री के जीवन में जो दाम्पत्य का सुख है, जो मंगल का सुख है, वह दो ग्रहों पर निर्भर करता है। एक उसके जीवन में चंद्रमा की स्थिति और मंगल, यह उसके मांगल्य को बताएगा। वहीं इसके विपरीत पुरुष की कुंडली अगर हम देखते हैं तो शुक्र की स्थिति बताती है उसका दाम्पत्य कैसा होगा। अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, शुक्र शनि से दृष्ट है, सप्तम भाव पीड़ित है, वहां पे कोई पापग्रह विराजमान है राहु शनि, तो इसकी वजह से उसके दाम्पत्य में उसके पत्नी से उसकी दूरी होगी, उसका कोई ना कोई विवाद जरूर होगा। इसी तरह से स्त्री कुंडली में अगर मंगल पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, खास करके सप्तम भाव में अगर मंगल राहु के साथ विराजमान है, मंगल शनि के साथ विराजमान है, और दूसरी बात स्त्रियों खास कर कुंडली बता दूं कि अगर दूसरा भाव पीड़ित है, चूंकि वह परिवार का, कुटुंब का, और जो कि एक स्त्री ही गृह की स्वामिनी होती है, वही घर चलाती है, उसी के ही कंधों पर घर को जोड़ के बांध के, चूंकि हमारी परंपरा है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों को एक, लेकिन ये स्त्रियों के ही बस का बात है कि समस्त संसार में जो भी सृजन का कार्य है स्त्रियों के ही जिम्मे ईश्वर ने स्वयं बनाया है, इस पे हमारा आपका कोई सहमति या सहमति नहीं हो सकती। तो दूसरा भाव अगर पीड़ित है तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन होगा, परिवार टूटेगा, परिवार में बिखरा होगा, या महिलाओं कुंडली में। लेकिन विशेष जो हमने देखा है मंगल की पीड़ा की वजह से और चंद्रमा की पीड़ित होने की वजह से दाम्पत्य में कष्ट महिलाओं कुंडली में, शुक्र अगर पीड़ित है तो पुरुष की कुंडली में दाम्पत्य के सुख में और होता है। जी, एक छोटा सा उपाय और बताते हैं आज के एपिसोड में, फिर कल से चर्चा करेंगे सवालों के साथ जो हमारे दर्शक सवाल हमें भेजेंगे। देखिए, अगर इसका उपाय है, अगर कोई हमारी माताएं बहनें सुन रहे हैं तो इसका सबसे अचूक उपाय है माता दुर्गा की पूजा। माता जानकी ने भी राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, जो कि स्वयं परब्रह्म थे, भगवान श्री विष्णु के अवतार थे, उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उसी माता गौरी की पूजा की थी, जो कि स्वयं दुर्गा की स्वरूपा है, शिव की अर्धांगी है। तो हर महिला को अपने जीवन में हमेशा मंगलवार के दिन माता दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए, दुर्गा पूजन करना चाहिए, और हो सके तो अर्घला स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ये उपाय करने से दाम्पत्य जीवन में सदा खुशहाली बनी रहती है, अब मन के मुताबिक वर की प्राप्ति भी होती है, जो स्त्री के मान सम्मान के लिए, उसके सुख वैभव के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, हमेशा उसकी व्यवस्था करता है। यही बात पुरुषों पर लागू होती है, पुरुष का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो इसके लिए उसे सदैव हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह भी माता दुर्गा की आराधना करें, इसके साथ साथ वर्ष में एक बार जरूर जो है या पूजन करें, इससे निश्चित रूप से जीवन में दाम्पत्य का सुख बना रहेगा, हमेशा माता दुर्गा कृपा से परिवार में तरक्की और उन्नति होती रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आज के लाइव में जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद आपका। जी, तो अभी के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ फेसबुक लाइव में, और कल फिर करेंगे एक ज्योतिष के मुद्दे पर चर्चा। अगर आपके भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, अमित पांडे जी आपके सवालों के जवाब आपको जरूर देंगे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।